सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या एक के विधानसभा रामनगर में उपस्थित हूँ और जो पीछे भीड़ देख रहे हैं यह जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की भीड़ है। हालांकि मैं बता दूं, इस लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए में गठबंधन कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य प्रत्याशियों में भी थोड़ा निराशापन देखने को मिला। तो इसके मुख्य मुख्य व्यक्ति जो जिम्मेदार हैं, खासकर अभी इसके बागदौड़ को लेकर चल रहे हैं एक आश और उम्मीद के साथ कि जनता सपोर्ट करेगी तो केंद्र में इनके एक हमारे जो सुनील कुमार जी हैं सांसद के रूप में दिखेंगे। सर स्वागत है आप लोगों का हमारा वेब इंडिया न्यूज सर चैनल में। सर ये आप लोगों ने अपना प्रीसीय समय सर निकाल कर दिए। सर मैं चाहूँगा आप तो किसी परिचय का सर मोहताज नहीं है सर, लेकिन हमारे यह प्रोटोकॉल है एक सर छोटा सा परिचय हो जाए। नीतीश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष युवा जदयू बिहार। सर सवाल सर आपसे, युवा आखिर में जेडीयू के साथ क्यों जाए? चूंकि हमारे तेजस्वी जी का यह कहना है कि रोजगार तो हम दे रहे हैं, युवाओं की बात हम कर रहे हैं, बहाली एक, लेकिन क्रेडिट दोनों पार्टियां ले रही, इस पर आपकी क्या राय है? बेबुनियाद उनका ये सोचना है कि जो उनके पिताजी की भी सरकार रही, माताजी माई बाप कहते हैं, तो माई बाप की सरकार, और माई बाप की सरकार में रोजगार वाले को भी रोजगार छीना, व्यवसाय वाले को भी व्यवसाय से छीन लिया, रोड पे चलने वाले युवाओं को दिन दहाड़े उसकी हत्या करा दी गई, अपहरण करा दिया गया, उसका रोजगार उन्होंने दिया था, अपराधियों का रोजगार हुआ करता था। और नीतीश कुमार 2005 में जब गद्दी संभाले थे, ये समझने की बात है अर्थव्यवस्था का क्या हाल था, और बिना अर्थव्यवस्था के कोई रोजगार कैसे दे सकता है। और 2005 में नियोजित शिक्षक से वो शुरू हुआ मसला, आज 2024 आते आते वही बीपीएससी शिक्षकों की बहाली कर रही है, वही स्वास्थ्य सेवा में बहाली कर रही है, और जो 10 लाख का उन्होंने वायदा किया वो 10 लाख 5 लाख पहुंचाया है। और तेजस्वी जी महज 17 महीने साथ में रहे, उससे पहले योजनाएं बनती हैं। तेजस्वी जी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उनके सलाहकार भी शायद नहीं समझाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं पीएचडी के स्टूडेंट हैं, यहां ग्रेजुएशन के लोग बैठे हैं, 9वीं पास यहां नहीं चला सकता राज्य। 9वीं पास को ये नहीं पता है कि वहां पे जो नियुक्तियां होती हैं, नियुक्तियों से पहले रिक्तियां मांगी जाती हैं, विभागों से जानकारी ली जाती है, उसका नोटिफिकेशन होता है, उससे पहले उसका वित्त विभाग में कितना लोड पड़ेगा बजट पे उसकी जानकारी होती है, और तब जाके वैकेंसी निकलती है। 2024 में जो वैकेंसी निकली वो 2021-22 में तैयारी की गई होगी, 2026 में जो वैकेंसी निकलेगी वो आज तैयारी की जाएगी। तो रोजगार नीतीश बाबू के काम ने दिया, नीतीश बाबू के बिहार के विकास अर्थव्यवस्था के बेहतरी ने दिया, इसलिए युवा उनके साथ है, अपने युवा उसलिए साथ। सर कुछ महीना पहले हमारे नीतीश जी ने, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और इनके जनता ने ख्वाब देखा था प्रधानमंत्री का, कि हमारे नीतीश जी ने का ख्वाब है एक प्रधानमंत्री बनने के लिए। सर इस ख्वाब को सर पूरा हुआ शायद वह कर सकते थे इंडिया में अलायंस करके सर, परंतु उनका ख्वाब तो चकनाचूर हो गया, क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा भी ख्वाब है कि हम देश का प्रधानमंत्री, इनका भी, शाहनवाज जी का भी ख्वाब है कि देश का प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, सबका ख्वाब होता है, राजनीति करने वाले हर व्यक्ति का ख्वाब होता है, स्टूडेंट का ख्वाब होता है हम आईएएस बन जाए, स्टूडेंट का ख्वाब होता है बिहार पुलिस में। शाहनवाज जी, आरजेडी यह कहती है पार्टी MY का समीकरण है, अब तो M है, तो GD में क्या करना है आप? देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और इस बात को, मैं युवा हूँ तो युवा के स्टाइल में ही जवाब दूंगा। वे हम लोग को एक कंडम तो अब नहीं कहूँ, लेकिन टिश्यू पेपर बना के ये राजदवादी मुसलमान को रख दिए। उसका जिंदा मिसाल हमारे हिना साहब है, साबुद्दीन साहब का निधन हो रहा है दिल्ली में, वहाँ का एक भी राजद का कोई नेता या लालू प्रसाद की कोई भी सदस्य उनको मिलने तक भी नहीं गया, यही तो है प्रश्न। सर आपसे प्रश्न तो खड़ा होगा ही, जब BJP स्वयं कहती है कि उनको जो एम समीकरण को वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अब तो JDU BJP अब तो NDA में शामिल हो गई, क्या एम समीकरण सपोर्ट करेगी या नहीं? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का विकास का धारा बह रहा है, इसके लिए हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ माननीय मुख्यमंत्री। आप क्या कहना चाहेंगे 25 तारीख को जो हमारी जनता एक अंगूठा के बेस पर केंद्र में सरकार बनाएगी? केंद्र में सरकार बनेगी 25 तारीख को, वाल्मीकि नगर की जनता अपने भविष्य के लिए, अपने युवा जो हैं, अपने
जो बेहतर भविष्य बनाया है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और बेहतर वाल्मीकि नगर के लिए, बेहतर बिहार के लिए, नीतीश कुमार को धन्यवाद करेगी और तीर का बटन दबाएगी और पूरे देश में जो लहर है और बिहार में 40 सीटें जीत रहे हैं हम लोग और 25 तारीख को वाल्मीकि नगर की भी सीट हम लोग जीतेंगे और 25 तारीख को दोपहर होते होते इतने मतदान होंगे हमारे युवा साथी आगे बढ़ चढ़ के लेंगे और हर एक मजहब में। आप अभी एक बात कर रहे थे माइनॉरिटी की, अरे माइनॉरिटी का वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, 9 को एक समाज को टिकट देते हैं और एक समाज जो 18% उसको देते हैं, एक उनके जो घूम रहे मुकेश साहनी उनका साहनी प्रेम देख लीजिए, एक भी साहनी को टिकट नहीं, एक भी हेलीकॉप्टर पे मियाँ जी को नहीं बैठाया है तेजस्वी जी ने, एक भी मुसलमान को नहीं बैठाया, एक भी लोगों को। हमारे यहाँ तनवीर भाई थे, एमएलसी थे, उनकी देवा हो गई पत्नी, उनको हमने एमएलसी बनाया, एक तरफ शहाबुद्दीन जी का इन्होंने जिक्र किया, सच्चाई बोला उन्होंने। और माइनॉरिटी ये जानता है कि नीतीश कुमार ने मदरसा को ठीक किया है, नीतीश कुमार ने हमारे कब्रिस्तान को घेराबंदी कराया है, हमारे बच्चों का भविष्य बनाया है लघु उद्यम योजना और उद्यम योजना के जरिए, मुसलमान भी अल्पसंख्यक उद्यम योजना के जरिए मुसलमान, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, यहाँ दंगा फसाद नहीं हुआ है। और हम एनडीए की सरकार में 2005 में भी थे, 2024 में भी हैं और 19 वर्ष में बिहार में तरक्की हुआ है, आगे भी तरक्की होगा। थैंक यू सर सो मच सर, आप सर अपना मूल्यवान समय दिए सर, आप प्रस्थान कीजिए और चलते चलते मैं मिलना चाहूँगा रामनगर प्रखंड अध्यक्ष जी से, जो कि जेडीयू के ओर से हैं। सर राहुल गांधी ने अपना वाक्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बोले कि 4 तारीख को 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? मुंगेरी लाल के सपने सुने हैं ना, मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं राहुल गांधी जी, बस सपना ही देखते रह जाएंगे, जो जिस आदमी को बोलने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस में जब 40 सीट में मात्र 9 सीट पर यहाँ लड़ रहे हैं, 31 सीट में वहाँ उनके कार्यकर्ताओं को क्या होगा, वहाँ कांग्रेस है क्या 31 सीटों पे? तो जब 31 सीट पे बिहार में वो नहीं लड़ रहे हैं फिर कांग्रेस है कहाँ, बताइए। सर क्या आपको लगता है कि बिहार की स्थिति काफ़ी बदहाल है? नहीं, क्या बदहाल है बताइए हमें, एक चीज़ सर 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 है कि नहीं, सर है कि नहीं? नहीं है, नहीं बदहाल स्थिति नहीं है सर, अर्थात नहीं सर बिल्कुल नहीं है। कैसे सर, कैसे बदहाल है, आप कैसे साबित कीजिएगा? आप आज हर चीज़ में पलायन है, स्वास्थ्य में, एजुकेशन में, रोजगार में, हर चीज यहाँ पर नहीं है। 2000 के पहले जब से माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के 2005 के बाद बागडोर संभाले, तब से आप शिक्षा विभाग में जाइए, रोडवेज में जाइए, 2005 के पहले क्या कौन रहा, आप रहे और राजनीति भाग में जाइए, हर जगह खराब हो रहा है और अलग अलग चीजें। बिहार की 2005 की रोड की पहले दिखाइए, आप जुआओं को दिखाइए। सर अभी भी सर मैं आपको सर बता दूं, अगर बारिश के मौसम में दोन में किसी व्यक्ति की अगर तकलीफ हो जाएगी श्रीमान, ये वन डिपार्टमेंट का या चाहे या किसी भी का हो इश्यू, लेकिन यह सरकार जो है अभी जिनकी थी वाल्मीकि नगर सर क्षेत्र में, इनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये बताता हूँ कि 2005 के पहले कहीं रोड नाम का चिन्ह भी नहीं था कि इधर रोड है, रहेगा ही नहीं तो टूटेगा सर 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 आप हमारा प्रश्न का उत्तर सर नहीं दिए, क्या बिहार की स्थिति बदहाल है कि नहीं है? बदहाल है, बिल्कुल ठीक है, विकास की धारा बह रही है और आने वाला 5 साल का अंदर और बढ़ेगा। रोजगार की बात आजकल कर रहे हैं घूम घूम के तेजस्वी यादव, ये किसका फॉर्मूला है? तेजस्वी यादव का नहीं है, ये तो परिवारवाद है, सिर्फ अपना बेटी को दामाद को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। माई एम वाई का मतलब क्या है? माई माई मतलब मेरी पार्टी का है वो, एम वाई मुस्लिमों को और यादवों को धोखा दिए हैं, एम वाई का मतलब माई पार्टी बना के रख दी है, माई बाप है ना, चट्टी बिछाएंगे। राजद की सरकार में चट्टी और कुर्सी लगाने के अलावा कुछ विकास हुआ नहीं। अभी इसके पहले हम अपना वक्तव्य में बोले थे कि ये लोग कंडम तो नहीं बोल सकते लेकिन टिश्यू पेपर अवश्य रूप से बोलेंगे, टिश्यू पेपर बनाए, हाथ पोछे और डस्टबिन में डाल। जो कमी की है क्या आप उसको, आपका काम है कि आप उसको पूर्ति करने के लिए सर, परंतु आपसे समस्या उनके कार्यकाल का सर बता रही थी, कार्यकाल का नहीं बता रहे हम, मैं ये कह रहा हूँ कोई चीज़ एकदम बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने में समय लगता है। आज जाइए थर्ड में, जब थर्ड की बात करते हैं ना, जब लड़कियाँ साइकिल के निकलती है तो सीना चौड़ा हो जाता है, जो जिस घर की लड़की चाहे वहाँ के बच्चे खांसी मुर्गा मुर्गी भी पालन करना छोड़ दिए थे, यही जंगल था, वही कह रहे हैं ना, छोड़ दिए थे, लेकिन आज आप वास्तव में जाइए और किसी सीने पर हाथ रखे, दिल पे हाथ रखे पूछिए तो क्या वही बिहार है 2005 का बिहार है? 5 किलो चावल भी नहीं बनता था। लाल बाबू पटेल बहुत मोहब्बत से देख रहे हैं। हाँ कहाँ से आए हुए हैं?
बस यही तो लहा घर है मेरे। जेडीयू का क्रमांक संख्या कितना पर है? यहाँ का प्रत्याशी का तीन नंबर पर है। क्या नाम है? सुनील कुमार। चुनाव चिन्ह तीर छाप। दिल में ठान मरता जी, कहाँ से आप आए हैं? हम रामनगर पश्चिमी चंपारण। कहाँ से? कहाँ हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है। क्या हुआ है? बहुत हुआ है। जैसे? जैसे भी हुआ है, जैसे जंगल में भी हुआ है, नाली नाला जंगल होगा, हर चीज हुआ है। हुआ है। चलिए सर, चलिए सर, विकास के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। रुकी, नीतीश कुमार का संकल्प था जो शहरों में सुविधा है वो गांव में हम उपलब्ध कराएंगे, करा दिया। बिजली, सड़क, नाली, गली में पीसीसी करवा करके घर घर। बिजली की सर हम बात करें, उसकी यूनिट दर बढ़ गई है, नालियां तो बनी है लेकिन उसका स्लैब टूट गया है। शिक्षा की सर बात करें, शिक्षकों का विकास हुआ है परंतु शिक्षा में नहीं, ये फैक्ट है सर, आप बात माने या ना माने। सर लास्टली सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रखंड आपका जो क्षेत्र है, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से, क्या अपील करेंगे? हम अपील कर रहे हैं कि थरवट क्षेत्र में जहाँ शिक्षा नहीं थी वहाँ पर दो दो आदिवासियों के लिए स्कूल खोल दिए, पिपरा में और यहाँ मधुबनी में। देखेंगे ना, बन भी रहा है। आखिर किस विकास है ना, है शिक्षा हो रही है ना, जो एक भी टावर नहीं लग रहा। शिक्षक का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है श्रीमान। हम बता रहे हैं आप एक चीज देखिए, थरवट से कितने बच्चे नौकरियों में हैं, बच्चियाँ, दरोगा, बीपीएससी, टीचर, सभी लोग हो गए हैं ना। अच्छा, नीतीश कुमार ने इतना विभाग बना के शिक्षा मित्र से लेके जिसको उद्योग नहीं मिला जीविका से जोड़ के, आप जीविका से जानते कई लाख महिलाएं जुड़ी हुई है, अपना रोजगार चला रही है। कई लाख महिलाएं कर्ज से दब चुकी है, आपको पता है ना? नहीं, आप जीविका का एक चीज बताइए कि हम कर्ज ले लें और आरक्षण मिला, सवर्ण लोगों को जो 10% आरक्षण एनडीए दिया जिसमें नीतीश जी और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें राजद के जो मनोज झा थे, खुद पंडित थे, वो क्यों विरोध किए और किस आधार पर आप सवर्णों से वोट मांगने के लिए चंपारण में आए, किस मुंह से राष्ट्रीय जनता दल? सर अब तो सर यह आरजेडी के प्रवक्ता है या जो पार्टी के नेता, सर वे बताएंगे, चूंकि सर हम तो नहीं बताएंगे। चलिए, क्या जनता किस देश पर चुनेंगी, तब तक विजिट कीजिए हमारे चैनल रामनगर। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहाँ कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहाँ जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।